नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धारा अग्रवाल और मैं आप सबके लिए लाई हूँ वैदिक मैथ्स की एक नई श्रृंखला। इस श्रृंखला में आप सारे 13 सूत्र और 16 उपसूत्र सीखेंगे। जी हाँ, सारे 13 सूत्र और 16 उपसूत्र उनके उपयोगों के साथ, जो मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये श्रृंखला किन किन लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी स्पर्धा परीक्षा। इसमें आप सब जानते हैं कि हमें गणित की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि भले ही वो यूपीएससी सीसैट हो, जीआरई हो, जीमैट हो या कोई भी निजी या सरकारी बैंकों की एग्जाम हो, उन सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या गणित का एक विषय हम सबको देखने मिल जाता है। इसमें विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा सारे सवालों के जवाब काफ़ी कम समय में देने होते हैं। इसी में ही वैदिक गणित आप सबकी मदद करेगा, क्योंकि वैदिक गणित में के सारे सूत्रों में बताए गए टिप्स और ट्रिक्स से आप अपनी गुणाकार, जोड़, भागाकार करने की प्रक्रिया को काफ़ी तेज कर सकते हैं। इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टिप्स एंड ट्रिक्स वैदिक गणित के मैं आपसे इस श्रृंखला में साझा करूंगी, उससे आपकी जोड़, भाग, गुणाकार और भागाकार करने की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाएगी, जिससे आप कोई भी गणित का सवाल काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चिल्ड्रंस फ्रॉम 6 to 12 स्टैंडर्ड। हम सब जानते हैं कि बच्चे गणित को अपना एक अच्छा विषय नहीं मानते। वैदिक गणित आपकी इसी सब में मदद करेगा। वैदिक गणित से सीखा हुआ गणित बच्चों में गणित के लिए एक प्यार का विस्तार करेगा। वो ना केवल गणित से प्रेम करने लगेंगे, बल्कि गणित में अच्छे अंक लाना भी उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। फॉर ऑल एज ग्रुप्स यानी कोई भी श्रृंखला को देख सकता है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, माता पिता हो या जो कोई भी हो जो भारत में जन्मे इस चमत्कार को जानना चाहता हो, वो उन सब के लिए ये श्रृंखला फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए हम अपने सबसे पहले सूत्र यानी एकाधिकेण पूर्वेण पर चलते हैं और उसका उपयोग जानते हैं। एकाधिकेण पूर्वेण का शाब्दिक अर्थ होता है पहले से एक अधिक। इस सूत्र का उपयोग आप जोड़ने जोड़ने घटाने सॉरी जोड़ने वर्गफल निकालने और वर्गफल निकालने और गुणाकार करने के लिए कर सकते हैं, गुणाकार करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं कि हम एकाधिकेण पूर्वेण से वर्गफल कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने आप सबको बताया कि हम वर्गफल निकालेंगे, परंतु एकाधिकेण पूर्वेण का इस्तेमाल करके हम उन्हीं अंकों का वर्गफल निकाल सकते हैं जो 5 से अंत होते हो। जैसे 25, 35, 55, 75, 85, 105, 155 आदि इत्यादि। आप सब देख सकते हैं कि ये सारे अंक 5 से अंत होते हैं। इन्हीं का हमें वर्गफल निकालना है। इन्हीं का हम वर्गफल एकाधिकेण पूर्वेण का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। जैसे अब मैं एक नंबर लेती हूँ 25, इसका हमें वर्गफल निकालना है। तो मैंने आप सबसे कहा कि एकाधिकेण पूर्वेण का मतलब होता है पहले से एक अधिक, पहले से
एक अधिक, एक अधिक। तो यहाँ पर इस पहले की भूमिका, जो ये पहला है, इस पहले की भूमिका जो नंबर 5 से पहले आता है, यानी इस केस में ये 2, ये 5 से पहले आया है, तो इससे एक अधिक, यानी 2 से एक अधिक मतलब 3। आपको सिर्फ ये 3 को ये 2 से गुणा करना है, तो इसका उत्तर आएगा 6। और 5 का वर्गफल, 5 का वर्गफल हम सब जानते हैं कि 25 होता है, तो ये 25 आपको सीधा सीधा यहाँ लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए हम एक और सम देखते हैं, 55 का वर्गफल। मैंने आपसे कहा था पहले से एक अधिक, सो यहाँ पहला ये 5 है, तो 5 से एक अधिक, 5 से एक अधिक यानी 6, 6 को हमें 5 से गुणा करना है जो आएगा 30, और 5 का वर्गफल है 25, तो यहाँ 25। ये हो गया आपका आंसर। आप देख रहे हैं कैसे आप 2-2 सेकंड के अंदर अंदर ही वर्गफल निकाल रहे हैं, या तो अगर आप अपने ट्रेडिशनल पुराने मेथड को यूज़ करेंगे तो इसे निकालने में आपको 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएगा। इस एकाधिकेण पूर्वेण को आप 2 अंकों के नंबरों, 3 अंकों के नंबरों, इन सब पर यूज़ कर सकते हैं, भले वो 2 अंक का नंबर हो जैसे 105, जैसे 85, 3 अंक का नंबर हो जैसे 105, 4 अंक का नंबर हो जैसे 1055, या 5 अंकों का नंबर हो जैसे 2, 2, 3, 6, 5, इन 6, 5, 5, इन सब पर आप एकाधिकेण पूर्वेण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 105, 105 का वर्गफल। तो जैसे मैंने आपको कहा था पहले का भूमिका जो भी नंबर 5 से पहले होगा वो निभाएगा, तो 10 से एक अधिक यानी 11, 11 से हम 10 को गुणा करेंगे तो आएगा 110 और 25। ये है आपका आंसर, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे 200, 225, 200, 205, 205, 205 का वर्गफल। 5 से पहले 20 आ रहा है, तो 20 × 21, क्योंकि 20 से एक अधिक है, अगर हम 20 को 21 से गुणा करें तो आएगा 420, और 5 का वर्गफल है 25। ये है आपका उत्तर। अब 225 का वर्गफल देखिए, 22 से एक अधिक यानी 23। आप इसे, अगर आपको ये ऐसे ना आता हो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 22 × 23। देखिए 2 × 2 से 3 को गुणा करेंगे 6, 2 से 3 को गुणा करेंगे 6, 2 से 2 का गुणा 4, 6 + 4 = 10, तो यहाँ आएगा 1 0, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ का 1 कैरी तो यहाँ आएगा 5, तो 506, 506 और 5 का वर्ग 25। ये है आपका उत्तर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।